इंसान हो या फिर भगवान, संकट का इन्हें प्रतीक सब है मानते हैं। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से इन दोनों का योग बेहद हानिकारक होता है। यह एक विध्वंसक योग है जो कई प्रकार से लगभग सभी राशियों का बुरा प्रभावित करेगा। लेकिन इन दोनों ग्रहों की क्यों नहीं बनती, उसके पीछे एक खास कारण है और इसके पीछे की कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस कथा को आरंभ करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बोले ओम शम शनेश्वराय नमः। तो कथा आरंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंगल हमेशा से एक आक्रामक और अवसरवादी ग्रह था। शनि के जन्म के उपरांत सूर्य देव को सूर्यलोक के लिए उपयुक्त उत्तराधिकारी की खोज थी और ये बात सब जानते हैं कि सूर्य देव और शनि देव की कभी नहीं बनती थी। लेकिन दोनों पिता और पुत्र एक दूसरे का सम्मान अवश्य करते थे। मंगल ने एक योजना बनाई और सूर्यलोक पर राज करना चाहा। सूर्य देव की पुत्री यमी मंगल को पसंद नहीं करती थी और कई बार उनको अपने पास आने से भी रोका, परंतु मंगल ने छल से सूर्य देव को अपने पक्ष में कर लिया और यमी से अपना विवाह निश्चित करवा लिया। मंगल यमी का जीवन खराब कर सूर्यलोक पर राज करना चाहता था और इस बात का पता जब शनिदेव को चला तो शनिदेव ने सीधा जाकर ये बात सभी को नहीं बताई, क्योंकि सूर्यलोक में शनि को इतना सम्मान नहीं मिलता था। इसी बीच शनि का विवाह दामिनी से पक्का हुआ और उनकी हल्दी की रस्म आई। शनिदेव ने महाकाली का स्मरण कर उनसे विवाह के लिए आशीर्वाद मांगा तो महाकाली ने उन्हें पवित्र हल्दी दी। इस पवित्र हल्दी को शादी से पहले हुए जाने वाले हल्दी समारोह में लगाया जाना था और जो भी पवित्र हल्दी को हाथ लगा था वो सब कुछ सच बता देगा यदि उसके मन में कोई भी द्वेष छुपा हो। जब यमी ने यह हल्दी छुई और शनि को लगाई तो दोनों को अपने बचपन की स्मृतियों का स्मरण हुआ। वहीं जब सूर्य देव ने इसे लगाया तो उन्हें बोध हुआ कि उन्होंने शनि के साथ क्या क्या गलत किया और शनि ने कैसे हर पल उनका नाम और रोशन किया। अब जब बारी मंगल की आई तो मंगल ने इसे छूने से इनकार कर दिया, परंतु परंपरा से वो कैसे भागता, तो जैसे ही उसने हल्दी को हाथ लगाया तो उसने सारा सच बता दिया। मंगल ने बताया कि यमी से विवाह करने का उद्देश्य केवल सूर्यलोक पर राज करना है और फिर वो यमी का जीवन पीड़ादायी बना देगा। उसने बताया कि कैसे उसे शनि से ईर्ष्या भी है। अपनी पुत्री के बारे में अपशब्द सुनकर सूर्यदेव ने मंगल को सूर्यलोक से निष्कासित कर दिया और मंगल ने वचन दिया कि वो शनि से इस बात का प्रतिशोध अवश्य लेगा। जिसके उपरांत मंगल ने इंद्रदेव के साथ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इंद्रदेव की बुरी नजर हमेशा से ही दामिनी पे थी और वो दामिनी को अपने वश में करना चाहते थे। इंद्रदेव ने बहुत से अनैतिक कार्य किए, परंतु दामिनी बस शनि से प्रेम करती थी। त्रिदेवों ने इंद्रदेव से उनका इंद्रासन और सभी शक्तियां छीन ली, क्योंकि इंद्रदेव ने बहुत सी मर्यादाओं को लांघा था और साथ ही कोई उनकी पूजा नहीं करेगा, यह भी श्राप इंद्रदेव को दिया गया। मैं मूर्ख हूँ, मैं अपने अहंकार में आपको नहीं पहचान पाया प्रभु, मुझे एक अवसर दे दीजिए प्रभु। इसके उपरांत इंद्रदेव ने मंगल को कहा कि कुछ भी करो लेकिन शनि और दामिनी का जीवन निष्फल होना चाहिए। मंगल ने अपने शक्तियों का प्रयोग कर दामिनी की राशि में मंगल दोष डाल दिया, जिससे दामिनी मंगल के वश में हो गई और वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगी। शनि क्रोध में मंगल और इंद्रदेव को खोजने लगे और इंद्रदेव पे जैसे ही उन्होंने वक्र दृष्टि डाली तो इंद्रदेव ने मंगल की सारी योजनाएं शनि को बता दी। शनिदेव और दामिनी ने फिर मंगल का सामना स्वयं किया और मंगल की सारी योजनाएं निष्फल कर दी। साथ ही मंगल को उसके कर्मों का फल शनिदेव ने भी दिया। इसीलिए कहते हैं कि जहां प्रेम सच्चा हो वहां मंगल दोष भी निष्फल हो जाता है। ज्योतिष संज्ञा में भी शनि मंगल को लेकर काफी कुछ कहा गया है। कुछ ज्योतिषों ने इस युति को द्वंद्व योग की संज्ञा दी है। द्वंद्व का अर्थ है लड़ाई। शनि मंगल का योग कुंडली में करियर में संघर्ष देने वाला होता है। और चलिए अब बात करते हैं इनसे जुड़ी कुछ अन्य खास बातों के बारे में। नंबर एक, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि और मंगल की युति होती है उसे करियर की स्थिरता में बहुत समय लगता है और व्यक्ति को बहुत अधिक पुरुषार्थ करने पर ही करियर में सफलता मिलती है। नंबर दो, शनि मंगल का योग यदि कुंडली के छठे या आठवें भाव में है तो स्वास्थ्य में कष्ट उत्पन्न करता है। शनि मंगल का योग विशेष रूप से पाचन तंत्र की समस्या, जॉइंट पेन और एक्सीडेंट जैसी समस्याएं देता है। नंबर तीन, कुंडली में बलवान शनि सुखकारी तथा निर्बल या पीड़ित शनि कष्ट कारक और दुखदायी होता है। इन विपरीत स्वभाव वाले ग्रहों का योग संभवतः भाव स्थिति संबंधी उथल पुथल पैदा करता है। नंबर चार, यह योग लग्न, चतुर्थ,
सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में होने पर मंगल दोष को अधिक अमंगलकारी बनाता है, जिसके फलस्वरूप जातक के जीवन में विवाह संबंधी कठिनाइयां आती हैं। नंबर 5, लग्न में शनि मंगल साथ होने से व्यक्ति अहंकारी व सनकी हो जाता है, जिस कारण वह अपने जीवन में हमेशा उठपटांग निर्णय लेकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। इससे बचने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, शनि और मंगल से जुड़ी वस्तुओं का दान समय समय पर करते रहना चाहिए। नंबर 2, शनि और मंगल के मंत्रों का जाप स्वयं करें। अगर संभव ना हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से भी मंत्र जाप करवा सकते हैं। नंबर 3, इन ग्रहों के दोष को दूर करने के लिए किसी ज्योतिषी की सलाह लेकर रत्न धारण करना चाहिए। जातक की कुंडली में यदि मंगल दोष है तो उन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर शादी विवाह में आने वाली दिक्कतें व कर्ज का बोझ पड़ना और प्रॉपर्टी संबंधित समस्याएं भी शामिल हैं। ऐसे में इससे बचने के लिए प्रत्येक मंगलवार विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। आप मांगलिक दोष को दूर करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखें, मंदिर में बूंदी का भोग चढ़ाएं और प्रसाद बांटें। प्रतिदिन ओम भौमाय नमः व ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करें। संभव हो तो हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ें। मंगलवार के दिन लाल कपड़े धारण करने चाहिए। लाल सिंदूर हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। विधि पूर्वक दूध, दही, घी, लाल मसूर की दाल, शक्कर, शहद, लाल वस्त्र, लाल गुलाल से हनुमान जी की पूजा करें। ऐसा करने से मंगल दोष समाप्त होता है। जरूरतमंदों को लाल वस्त्र या लाल मसूर दान करें और याद रखें कि शनिदेव सब कुछ देख रहे हैं। वो आपके सभी कर्मों का हिसाब रखते हैं, इसलिए बहुत संभल के और सोच के कर्म करें, क्योंकि कर्म फल दाता शनि जब कर्म का हिसाब करने पर आते हैं तो वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि महादेव भी शनिदेव की दृष्टि से नहीं बच पाए थे और उन्हें भी अपने कर्मों का फल मिला था। तो हम तो केवल मनुष्य हैं। जब रावण पे शनि देव की दृष्टि पड़ी थी तो रावण का साम्राज्य नष्ट हो गया था। और उसके सभी पुत्र उसके समक्ष मारे गए थे। इसीलिए कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो एक बार फिर बोलें ओम शम शनिश्चराय नमः। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारा सपोर्ट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।